तो सुनिए, अब वो मंत्री दृष्टबुद्धि सुनता है और वो ज्योतिषी कहता है क्या कितने एक लड़की है, बोले हाँ नाम क्या है, बोले बिशिया। तो क्या कहता है, आओ इस नगरी का नगरी का 9 साल बाद ये लड़का राज। अरे सुनो रस्ते में कह बात बता कौन कौन सा नाम गांव है
कौन वंश क्या नाम का मैं तेरे पिता और मात बताए किस कारण दुख दारण और क्या सही सही हालात बता जल्लाद बुलवाए और मंत्री कहने लगे जल्लाद इसे भयंकर जंगल में ले जाओ इसके टुकड़े टुकड़े कर दो पीढ़ी पर कटक चढ़ा दिया तो क्या किया रास्ते में जल्लाद लेके चले पूछते हैं लड़के नाम क्या है बोले शालिग्राम तेरा गांव को पहचान बोले शालिग्राम तेरी माँ बोला शालिग्राम बाप बोला शालिग्राम प्रसन्न अनेक प्रपुत्र एक शालिग्राम नाम मेरा शालिग्राम काम जान शालिग्राम माता पिता शालिग्राम माता पिता सारे सनाम जान खुशी की रचना सृष्टि तमाम जान वही रख वही मारे वही रख वही मारा करके इंतजाम जान सुन के दया आई गई एक बोला मारो मत बहुत बड़ा पाप होगा उसको संहारो मत तुमको बुरी ये नहीं मिला है तुमको बुरी ये नहीं मिला बुरी ये विचारो मत दूसरा बोला ना मारो तो चारू हम मारे जा हवन ही काल घाट हवन ही काल घाट मौत के उतारे जा एक है प्राणी से पत्ते के उभारे जा शान रहा बख टावर जीवन प्राण रहा सौ रुपए श्रीमान अवतार सिंह राठौड़ असलवास निवासी देते हैं राठौड़ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है लो उंगली काट थारी शान रहा बख टावर जीवन प्राण रहा सदा भगत पास सदा भगत पास आओ सदा भगत पास भगवान रहा दुष्टों से हो सदा बड़े सुनियो इस तरह से मंत्री को जब ये बताया गया कितने एक लड़की है विश्व आदमी